आज बाल दिवस के ऊपर चर्चा चल रही है और बच्चे हमारे कल का भविष्य होते हैं, इनके ऊपर ही सारी की सारी बागडोर टिकी हुई है और बच्चे तो दिल के सच्चे होते हैं। जैसा वातावरण हम उनको देते हैं वैसे बच्चे निर्मित हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी बीज अपनी ऋतु के अनुसार ही विकसित तो होता है। अब आप कभी गर्मियों में कणक बीज करके देखना, लेकिन वो विकसित नहीं हो पाती, तो उसको एक अनुकूल वातावरण, अनुकूल खाद पानी चाहिए, तभी वो विकसित हो पाता है। तो आज का कैसा परिवेश हम दे पा रहे हैं बच्चों को, ये हमारी जो धरोहर है उसको किस तरह से विकसित कर पा रहे हैं। जब से कोरोना आया है तब से हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, अब उनके हाथों में मोबाइल पहुंच गया है और हम भी स्वयं देखते हैं कि कोई भी वीडियो खोलें या कुछ भी करें, इतनी एडवर्टाइज साथ में आ जाती हैं कि जिसका अंदाज़ा हम भी नहीं लगा पाते कि क्या क्या वो हमें दिखा देते हैं। और मैं कहता हूँ जीवन की 80% ऊर्जा, छोटी ऊर्जा नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, 80% ऊर्जा आँखों से खर्च होती है और 20% में पूरा शरीर गुजारा करता है। अब कहें कि हम कैसे माने कि 80% ऊर्जा आँखों से खर्च हो जाती है। देखिए जिस जिसकी ये आँखों की ऊर्जा रुक गई उसके जीवन में अद्भुत ऊर्जा इकट्ठी हो गई, क्योंकि आँखों की ऊर्जा रुक गई। सभी जानते हैं गुरुवर ब्रजानंद जी का नाम, उनकी आँखों की ऊर्जा रुक गई थी और उसके बाद में उन्होंने अध्ययन किया तो कहते हैं कि जिस दिन उनका शरीर छूटा था तो महर्षि स्वामी दयानंद जी ने कहा था कि आज व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया। गांधारी ने अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली थी, जब खोली तो कोई एक दो दिन पट्टी नहीं बांधी थी, शादी हुई तब बांधी। और जब दुर्योधन का बेटा भी साथ में युद्ध लड़ रहा था, इतने समय तक बांध के रखी तो आँखों की ऊर्जा इतनी इकट्ठी हो गई कि पूरा शरीर वज्र का बन गया। मैं कहता हूँ पूरे दिन के थके हुए होते हैं, रात को भी ठीक से नींद नहीं आई होती तो भी आपको कुर्सी पर बैठे बैठे 3-4 मिनट की अगर नींद आ जाती है तो आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। मैंने कहा 3-4 मिनट की थकान आपको ताज़ा कर देती है, जबकि 2 घंटे तक सोफा पर बैठे रहो आप ताजे नहीं होते। 80% ऊर्जा आँख से खर्च होती है और उस ऊर्जा को हमारी युवा पीढ़ी किस तरह से गंवा रही है आप नित्य प्रति देख रहे हैं। इस कारण से उनके मस्तक में जो डाला जा रहा है वो तो खतरनाक है ही, लेकिन साथ में 80% ऊर्जा खर्च हो रही है और वो बच्चे थोड़ी देर तो क्लास लेते हैं शेष समय में गेम खेलते रहते हैं। और मैंने कहा कि उनके माता पिता कोरोना काल में टीवी के आगे बैठे रहे या टीवी नहीं तो अपने मोबाइल पर ही बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, हम अपने जीवन की 80% ऊर्जा को गंवा रहे हैं। और ये युवा पीढ़ी अगर इसी तरह ऊर्जा गंवाती रही तो आप देख रहे हैं कितने छोटे बच्चों के ही ऐनक लग जाती है और हम अपनी आँखों को भी खोए दे रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि जीवन को अगर उन्नत करना है, इस भविष्य को बचाना है, तो थोड़ी निगरानी प्रत्येक माता पिता की बनती है कि वो अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान दें। अगर वो ध्यान नहीं देंगे, वो अनुकूल वातावरण नहीं देंगे, तो मैंने कहा गर्मियों में बोई हुई कणक अच्छी फसल नहीं देती है, ऐसे ही हम अनुकूल वातावरण नहीं देंगे तो ये बच्चे उज्ज्वल नहीं बन सकते। और मैंने कहा जीवन में किसी भी क्षेत्र में कमजोरी स्वीकार्य नहीं है। आप देखें हम बौद्धिक तौर पर विकसित हो रहे हैं, आज के छोटे छोटे बच्चे माइंड को तो बहुत विकसित कर रहे हैं, कंप्यूटर के मामले में बहुत योग्यता बढ़ा रहे हैं, लेकिन शरीर के क्षेत्र से बिल्कुल पिछड़ते जा रहे हैं और उनका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डॉक्टरों के पास में जा रहा है। किस किस के चेकअप में क्या क्या खर्च होता है आप अधिकतर जानते हैं। और कहते हैं वीर भोग्या वसुंधरा, ये भूमि तो वीरों के लिए बनाई है, तो इसी के लिए कवि ने कहा था
कि वीर बनो, बलवीर बनो, साहस और उत्साही हैं। कायर और कमजोरों के लिए दुनिया नहीं बनाई है। हाथी घोड़े नहीं मरते और चींटी कुचली जाती हैं। बीमारी और मौत हमेशा कमजोरों को खाती हैं। लाख करो सिफारिश, लाख मचाओ शोर, नहीं बख्शे जाएंगे कायर और कमजोर, कोई माफ नहीं करेगा। तो करें क्या, इसके लिए समाधान क्या है? तो उन्होंने कहा कि तेल लगाकर नहाए जा, स्नान करें तो मालिश बहुत जरूरी है। अगर किसी के पित्त बढ़ जाए तो दस्त लगाइए, पेट को साफ करिए, पित्त कम होता है। कफ बढ़ जाए तो कुंजल करिए, कुंजल करने से कफ घटता है। लेकिन बात बढ़ जाए तो मालिश करो। जब हम नित्य प्रति मालिश करते रहेंगे हमारा बात कभी कुपित नहीं होगा। तो मैंने कहा तेल लगाकर नहाए जा, कसरत का नियम निभाए जा, ब्रह्मचर्य का नियम निभाए जा और ईश्वर का गुण गाए जा। जो ये चारों नियम निभाएगा उसके दुश्मन पास नहीं आएगा, और भूल चूक से आएगा तो अपना मुंह पिटवाएगा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं कहता हूं अपने जीवन में अगर कुछ सदाचार लाना चाहते हो, अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहते हो, तो एक पंख से कोई भी पक्षी उड़ान नहीं बढ़ सकता है। आज हम सेहत को भूलते जा रहे हैं, बुद्धि को विकसित करते जा रहे हैं। मैंने कहा बौद्धिक बल भी चाहिए तो हमें शारीरिक बल भी चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो जरूरी है कि हम अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दें। हमने संख्या को तो घटा दिया कि हम चार बच्चों का पोषण नहीं कर सकते, हम दो ही बच्चे पैदा करेंगे। लेकिन दो इतने तगड़े तो होने चाहिए तो वो चार से मुकाबला कर सकें। आपके दो बच्चे हैं वो भी इतने कमजोर हैं तो फिर मुकाबला कैसे होगा? मैं ये कहता हूं या तो संख्या अधिक होनी चाहिए या तो फिर उनमें पावर इतनी होनी चाहिए कि उनसे मुकाबला कर सकें। तो हम बौद्धिक बल तो बढ़ा रहे हैं लेकिन शारीरिक बल घटता जा रहा है। इसी तरह से अगर ये चलता रहा तो हमारा देश उन्नत नहीं हो सकता है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को समय रहते बचा लें, नहीं तो हमारी युवा पीढ़ी अगर नहीं संभली तो हम केवल चिल्लाते रह जाएंगे और कुछ भी होने वाला नहीं है। ये सब मन की कल्पनाओं में रह जाएगा और युवा ऐसे ही धीरे धीरे बिगड़ते जाएंगे। मैंने कहा ब्रह्मचर्य का केवल नाम ही रहता जा रहा है, हम ब्रह्मचर्य की चर्चा ही भूल गए हैं। ब्रह्म में विचरण करना होता था, ब्रह्मचर्य हमारे जीवन की मूल शक्ति होती थी, लेकिन हमने अपने जीवन से उस ऊर्जा को नकार दिया है। हम परवाह नहीं कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारा जीवन नित्य प्रति पतन की ओर जा रहा है। बहुत बड़ा दुख होता है जब युवा पीढ़ी को हम देखते हैं कि ये कहाँ खड़ी है। मैं ये कहता हूँ कई बार हम दिहाड़ीदार लगाते हैं अपने आश्रम में और उनको अगर मैं अपने साथ में दो घंटे काम करा लेता हूँ तो अगले दिन दिहाड़ी पाने की हिम्मत नहीं करते। वो कहते हैं स्वामी जी हमारे बस का नहीं है, आप तो कर लेते हैं ये सब, हमारे बस का नहीं है। क्योंकि करने की आदत छूटती जा रही है। हमारी जो बहनें हैं उनको भी मैं घरों में देखता हूँ, कोई काम नहीं आता। एक दिन एक बहन आ गई, मैं अकेला था आश्रम में, बोली स्वामी जी हमको ही सहायता करें। मैं थोड़ा ईंट पत्थर थे उनको बिखरे हुए उनको बटोर रहा था। मैंने कहा बहन जी अब तुम क्या करोगी? उनके वेशभूषा को देख करके मैंने ईंट पत्थरों में तो नहीं लगाया। मैंने कहा ऐसा करो तुम थोड़ा सा आटा गूँथ दो तो मुझे जब टाइम लग जाएगा अपने दो फुलके बना करके मैं खा लूँगा। और जब मैंने जा करके रसोई में देखा तो उसमें डेढ़ गुना आटा और डालना पड़ा, तब जा करके वो आटा तैयार हुआ। मैं भी अकेला था, अब इतना आटा मैं खा भी नहीं सकता हूँ, पानी में घोल करके वो चली गई। मैंने कहा इससे तो नहीं करवाता तो ही बेहतर था। आज हम उस सारे कामों को भूलते जा रहे हैं, ये हम कहाँ अपनी युवा पीढ़ी को ले जा रहे हैं। तो मैंने कहा जरूरत है हम अपनी युवा पीढ़ी को बचाना है। ये बाल दिवस मनाने से, केवल चर्चा करने से नहीं, व्यवहार में उतारने से होगा। मैं कहता हूँ कि हम जब तक इन सारी बातों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे जीवन उन्नत नहीं होगा। क्योंकि समय मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है, मुझे जो समय दिया है मैं चाहता हूँ उसी मर्यादा में पालन करूँ। तो मैं ये फिर अनुरोध करूँगा कि हम अपने युवाओं को बचाएं, समय बहुत है। और मैंने कहा बात सूत्र रूप में मैंने बताई है कि दोनों पंखों से ही पक्षी उड़ सकते हैं। बौद्धिक बल भी चाहिए तो शारीरिक बल भी चाहिए, दोनों बलों को बढ़ाइए तो हमारा देश उन्नत होगा, तभी हम ऊँचाइयों को चूम सकेंगे। तो मैं मेरी बातों को बड़ी शांति और प्रेम से सुना, आपका बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ मुझे बहुत प्रेम मिला,
वो मैं उन सारे इस अनाथालय के सभी व्यवस्थापकों का, सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कल मैंने कहीं 4 महीने पहले ही वचन दे दिया था तो कल के लिए मैं उपस्थित नहीं रहूँगा, इसलिए आज ही आपसे क्षमा मांग लेता हूँ। कोई भी भूल चूक त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप सबके प्रेम के लिए मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। सभी व्यवस्थापकों का, यहाँ के प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष सभी का, और ख़ास तौर से हमारे मुन्ना लाल शास्त्री जी का, उन्होंने ये इतना बड़ा कार्यक्रम देखने का सौभाग्य दिया, सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। इति ओम सम ओम शांति शांति शांति, शांति।